दोस्तों नमस्कार। हर बार की तरह आपका इस बार भी स्वागत है एनके एडवाइस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुसाध एवं पासवान जात के समाज के बारे में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे, तो गाइस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुसाध जाति का गौरवशाली इतिहास। दोस्तों आपको बता दें कि दुसाध समाज के लोगों को पासवान नाम से भी जाना जाता है। पासवान एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक। पासवान दुसाध भारत के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाए जाते हैं। पासवान जाति भारत के अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। पासवान एक मार्शल एवं शक्तिशाली योद्धा जाति है। बताया जाता है कि वो राजस्थान के गहलोत राजपूत थे। वो मुगलों से लड़ते हुए राजस्थान चले गए। दुसाध या दुसाध्य का अर्थ है जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। जब अंग्रेज भारत आए और उनका सामना बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब श्री राम राज उद्दौला से हुआ तो उन्हें हराने के लिए दुसाध समुदाय से मदद लेने की सलाह ली गई। दुसाध समाज के लोगों को शारीरिक रूप से ताकतवर एवं बलवान माना जाता था। अंग्रेजों ने सलाह पर काम किया और पलासी की 1757 की लड़ाई में नवाब को हराकर जीत हासिल की। रॉबर्ट क्लाइव की सेना पलासी की निर्णायक लड़ाई जीती और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पासवान कट्टर देशभक्त होते हैं और ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस जाति के सदस्य अब समाज में विकसित हो रहे हैं। वे सभी क्षेत्र में जैसे राजनीति, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। इनके कुल देवता महाराज चौहरमल माने जाते हैं। इनके समाज की कुछ पूजा आज भी जीवन में है, जैसे आग पर चलना, खौलते हुए दूध में हाथ डालकर उसे चलाना इत्यादि। ये अपने आप को प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत के कौरव राजकुमार दुशासन से वंश का दावा करते हैं। कर्नल टाड के अलावा अन्य लेखकों ने प्रमाण साबित करके बताया है कि दुसाध क्षत्रियों की एक शाखा है। दुसाध राहु पूजा करते हैं और राहु पूजा बिहार के दुसाध समुदाय में होता है। यह पूजा अपने कुल पुरुष की है जो इस वंश के आदि राजा थे। यह इस जात की पुरानी पूजा है। यह पूजा पासवान जाति के लिए एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दुसाध समाज के लोग कला में माहिर होते हैं, जैसे कि शिल्पकला, स्थापत्य कला और मंदिर बनाने की कला आदि। पिछले कुछ दशकों में इस समुदाय के कई सदस्य बेहतर अवसरों की तलाश में हैं, जैसे नौकरी और शिक्षा के लिए। यह समुदाय दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाकर बस गए हैं। प्रदेश सरकार को उपाय सुझाने के लिए बिहार के गठित महादलित आयोग ने कहा है कि दुसाध पासवान को अभी महादलित की श्रेणी में रखना उचित प्रतीत नहीं होता। दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर आपको भी लगता है कि दुसाध एवं पासवान समाज को दलित की श्रेणी में रखना उचित नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।